लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सालों से तुम्हारे देश को लूटने के कारण जनता हम पर गुस्सा है और हमसे नफरत करने लगी है। और तो और वो हम औरतों पर भी जुल्म कर रहे हैं। तुम लोग हिंदी अच्छा बोल लेते हो। वो लोग हम लोगों को गंदे शब्द सिखा रहे हैं। प्लीज आपको हमें बचाना होगा। प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, प्लीज। आप ये क्या कर रहे हैं? उन्हें खाना खिला रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। देखो, लोग अच्छे हो या बुरे हो, भूख दोनों को लगती है। जैसे आज उनकी बंदूकों में गोलियां हैं, उसी तरह अगर दिल में प्यार होता तो शांति बहुत पहले आ जाती। आहा, आप बहुत ही दयालु हैं साहब। आप जैसे महान इंसान का दिल बहुत ही बड़ा है। आपका दिल हीरे जैसा है, हीरे जैसा साहब। आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं धन्य हुआ साहब। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ साहब, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे साहब को बचा लीजिए। ठाकुर साहब जी, इनको क्या हुआ? इनको दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें कैसे भी करके बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत खराब है, पहले इसे देख लीजिए। भाई मैं तो अकेला हूँ, दोनों ऑपरेशन एक साथ कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, ये गांव के प्रधान है, पहले इन्हें देखिए। साहब आप तो हमारे भगवान है, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे पे रहम कीजिए। साहब अब ऐसी गलती मत करना, अपनी जान खतरे में मत डालना। जरा आप सोचिए, अगर आप चले गए तो हम सबकी रक्षा कौन करेगा? शांत हो जाओ। सर, मेरी तो एक ही जान है, लेकिन यहाँ एक माँ और एक बच्चा है। डॉक्टर, पहले इनका ऑपरेशन करो। अरे ये सब तेरे कारण हुआ है। इनके इस जीवन दान से भगवान ने भी इन्हें एक वरदान दिया और इनके घर में एक पोता हुआ जिसमें इनके सारे गुण थे। हेलो सर, हमें आरपी ज्वेलरी के चोरों का पता चल गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहा था ना मैंने सर की टाइमिंग परफेक्ट है और वो आएंगे। नमस्कार सर, मैं जानता हूँ आपकी खामोशी की वजह, मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ सर। और आपके लिए तो कुछ खास इंतजाम किया है सर, गोल्ड के साथ कैश, यानी ऐसी एस फ्यूचर में काम आएंगे सर। मैंने कहा था ना मैंने कहा था कि नहीं, पैसों का लालच सबको होता है। ए गिरी, जरा उसे वो दे तो। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। सबके सब ये चुपचाप पहन लो। मैंने आपसे कहा था ये सौदा बहुत अच्छा है,
लेकिन आप अपनी पुलिसगिरी से बाज नहीं आ रहे, लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मी, डॉक्टर मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? हाँ सुनिए डॉक्टर सर, शांत हो जाओ डॉक्टर साहब, एक्सरेज और बाकी टेस्ट हो गए। हाँ। छींको मत मेरे भाई। अरे राजा चिंता मत करो, ये सर्दी के कारण ऐसे छींक रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये चोर है लेकिन इंसान तो है, इसका भी तो बेचारे का परिवार है। क्या कहूँ इनसे, क्या? हाँ जी नमस्ते, मैंने नहीं नहीं हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। देखिए मैंने चार चोरों की पिटाई कर दी, वो जल्दी से ठीक होने चाहिए। आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो खुशहाल जिंदगी जिए। प्रणाम। राजा तुमने उन्हें मारा ही क्यों, जब तुम्हें दुख होता है? अगर मैं उन्हें मारता नहीं ना तो वो मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मैंने उन्हें हाथ से नहीं पानी से मारा। क्या करूं, किसी का दर्द देखा नहीं जाता। क्या इंसान है, कौन है ये आदमी, ये बहुत दयालु लगता है। वो शख्स तो दया की मूर्ति है, दिलदार पुलिस, अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उसकी मदद करता है। अगर कोई होनहार और बहादुर पुलिस वाला हो तो वो है हमारे एसीपी राजा। He is great. ऐसे महान इंसान इस धरती पर बहुत कम नजर आते हैं। बिल्कुल सही। दे, मुझे बार बार पूछने पर मजबूर मत कर, क्योंकि मैं हूं इसलिए तुझे बिठाकर पूछ रहा हूं। अगर मेरा भाई होता तो तुझे खड़े खड़े मार देता। चल बता तेरा बाप कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे बाप को सामने आना होगा, या फिर मुझे वो वीडियो चाहिए जो उसने बनाया है। तेरे पास 2 दिन का वक्त है, अगर नहीं बताया कि तेरा बाप कहाँ है तो तुम तीनों बहन बिन ब्याही माँ बन जाएंगी। शैलू बेटी, ये मल्लेश यादव का छोटा भाई है ना, वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो कुछ पूछ रहा था। उसे क्या बताऊं मैं अंकल, वो पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ हैं। अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे पापा को मार देगा, और अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैलू, मैं जीना नहीं चाहती अंकल। शुरू हो गया, ये सारी बातें तुम अपने जीजा से क्यों नहीं करती? वो कुछ कर सकता है। वो भी मुझे परेशान करता है, बहुत दिनों से उसकी नजर मुझ पर है। बेटा तुम धीरज मत खो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा अंकल, एक तरफ मुझे अपनी बहन की फीस देनी है और दूसरी ओर बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भी सर पर है। सारी प्रॉब्लम्स अगर एक साथ आ जाएंगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी बताइए। ये लो पैसे जो तुमने मांगे थे। थैंक्स अंकल। अच्छा सुनो, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीना? उसकी तकलीफें इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें सुलझाने में इतना तो लग ही जाएगा। मैंने फैसला किया कि उसके लिए मैं कुछ करूंगा। आपका दिल कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है, वैसे मैंने आज के जमाने में आपके जैसा भावुक इंसान अभी तक नहीं देखा। अभी तो देख लिया ना। सुन किशोर सर, ये पता लगा कि वो कहाँ जाती है या कहाँ काम करती है, मैं उसका पीछा करूँ तो हम क्या करेंगे? तुम लोग मेरे पीछे आओ और क्या। चलो चलो। हाँ
आपको खुशी किससे मिलती है सर? हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, छुपकर लड़की का पीछा करने आए हैं। सर आप चुप रहिए, मुझे पता है सर के दिल में वीणा बज रही है। वो वीणा की धुन नहीं मंदिर की घंटी है। नहीं, वो वीणा की धुन है। कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं कि तुझे और प्रसाद नहीं मिलेगा, हैं? समझता ही नहीं मेरी बात। ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? पीटू नहीं तो क्या करूं? इसे लगता है कि इस मंदिर में प्रसाद सिर्फ इसके लिए बनता है। ये तीसरी बार आया है, पहले दो बार भी आ चुका है। चल चल निकल यहाँ से। ये गलत बात है बेटा, प्रसाद एक ही बार लेते हैं। ये प्रसाद मेरे लिए नहीं है, मेरी बहन के लिए है। ए, तेरी बहन के लिए यहाँ फ्री में प्रसाद बट रहा है क्या? तेरे जैसों को तो यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। चल भाग। क्या तुम्हें जरा सी भी समझ है? सर पर बड़ा सा टीका लगाकर और दिन में 10 बार पूजा करके पुण्य नहीं कमाया जाता। लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये प्रसाद तुम जैसे अमीर लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इन बेचारों के लिए, इनके लिए तो ये अमृत जैसा है। इंसान में दूसरों के लिए थोड़ी तो दया होनी चाहिए। सर, जो दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकती उसका अपना दिल कैसा होगा? दया से भरा दिल जैसा आपका दिल है सर, आपको उनकी जगह पर होना चाहिए, पर भाभी ने आपकी जगह ले ली। भाभी? मुझे लगा कि वो बाहर से ही खूबसूरत है लेकिन उसका दिल भी सुंदर है। इतने सालों तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे अब तक कोई जची ही नहीं, लेकिन अब जच गई। दिल के बदले दिल, दया के बदले दया, उम्र के बदले उम्र। गाना गाइए और देर मत कीजिए। जब से है तू मिला दिल को सुकून मिला, जीने लगा मैं तुझ में सनम, प्यार का सिलसिला जब से सनम चला, लगता है खुशनुमा हर मौसम। ख्वाबों में देखा जिसे हो वही तुम, मेरा नसीबा बस तुम ही हो, दिल मेरा करता था जिसकी आरज़ू तुम ही वो साथिया हो। जिसे हो वही तुम, मेरा नसीबा बस तुम ही हो, दिल मेरा करता था जिसकी आरज़ू तुम ही वो साथिया हो। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना, अनजाना अनजाना खुद से मैं अनजाना। सर, हाँ? लड़की चली गई है, सपने से बाहर आ जाइए। ओह सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उससे पुलिस से सख्त नफरत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो पुलिस वाले से शादी नहीं करेगी। वो लड़की अकेले ही मेस चलाती है। ओह। उनका फैमिली फंक्शन के लिए कैटरिंग का बिजनेस है। कल मैंने उसके कुछ वीडियोस बनाए थे, देखिए। हाँ जल्दी दिखाओ यार। नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जा रहा है बेचारी। क्या हुआ सर, मेरा डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा? मैं सीजी में सब ठीक कर दूंगा सर। क्या ठीक कर दोगे यार, मैं उसे एक परी के रूप में देखना चाहता हूँ, उसे अपनी खूबसूरती निखारते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन वो तो किचन में मेहनत कर रही है। सपनों में लड़कियाँ परी जैसी दिखती हैं सर, लेकिन असल जिंदगी में बाल में तेल लगाती है जो हमेशा टपकता है, और लूज लूज नाइटी पहनती हैं,
वो खुले में ब्रश करती है और कुल्ला करती है सर, बहुत गंदी दिखती है। ए, क्या बक रहा है? देख इतनी छोटी उम्र में कितना काम कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी वाइफ बनाकर लाइफ बना दूंगा। हेलो सर, उसके जीजा ने वो जिम्मेदारी ले ली है, शायद उसकी मंगनी भी हो गई है। क्या बोल रहा है सर, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, चाहे जो भी हो मैं उसे पा कर रहूंगा। उसके जीजा का नाम क्या है? बाप जी, और संतरे बेचता है। रहता कहाँ है? ए, कहाँ वो हूर और कहाँ ये लंगूर? भाई साहब, आप इस संतरे का और कितना घिसोगे? मैडम क्या बात कर रही हैं आप, इसके अंदर जड़े हैं जड़े, आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं, भगवान है इसके अंदर, पूजा कीजिए इसकी। पहले इस पगले का कुछ करना होगा। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। ओके, हमारी टीम आ गई, वो रास्ते में सर। ओके, फॉलो मी। सुनिए, एक दर्जन कितने का है? यहाँ दर्जन वर्जन नहीं, किलो में बिकता है जनाब, ये होलसेल का मार्केट है। अच्छा बोलो, एक ट्रक का कितना होगा? भाई तुम एनआरआई हो क्या? 20 साल से मेरी दुकान है यहाँ। अच्छा? मैं लोगों को यूं ही पहचान लेता हूँ, मेरे संतरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। ओए चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढ रहे हैं सर? बड़े साइज वाले संतरे चाहिए, शाम को घर पे पहुँच जाएंगे। सर 10 रुपए के नोटों का बंडल मिला है मुझे, ये देखिए सर। क्या स्याही की खुशबू आ रही है, सूंघिए। सर प्रिंट और पेंटिंग ये क्या है सर? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम नकली नोट छाप के बाजार में बेचते हो, इसलिए तलाशी ली और तुम रंगे हाथों पकड़े गए। चलो सर, 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 सर। मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता और प्रिंटिंग वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बताइए गड्डी कहाँ से निकली? सर आपसे चालाकी धंधे की कसम, अगर छापना ही होता ना तो 500 और 2000 का दबा दबा के छापता मैं। अच्छा बच्चू, तुम अब बड़े नोट छापोगे। ओए देख जरा, यहाँ कोई मशीन है क्या? सर सर, नकली नोट छापने का मशीन। सर एक कोरे कागज को डालने से 100 का नोट निकल रहा है। अरे ओ महानुभाव, तूने गन्ने का जूस कभी पिया नहीं क्या? अगर एक तरफ से गन्ना डालोगे तो दूसरी तरफ से जूस ही निकलेगा ना। ठूस ठूस के तुम लोगों का दिमाग मोटा हो गया है। सर गन्ने के जूस निकालने की मशीन से कोई नोट कैसे निकाल सकता है? अरे ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं, ये शक्ल से 420 लग रहा है क्या? यस सर, ये मर्डर कर सकता है मानता हूँ, रेप भी कर सकता है, लेकिन नकली नोट छापेगा नहीं मान सकता। यू आर राइट ब्रो, इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है, आधी जानकारी है इनके पास। क्या कहा, आधी जानकारी? तू हवालात में चल मेरे साथ, पूरी जानकारी देता हूँ, चल मेरे अरे साथ। रुको, तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं अभी तुम्हारी किसी से बात कर पाता हूँ, ये लो बात करो। किससे बात करूँ? कमिश्नर है। अरे सर कमिश्नर को जानते हैं आप? हाँ अपने दोस्त हैं। हाँ सर। क्या उसने तुझे फोन दिया? सर बात यह है कि तू तिल का ताड़ बना रहा है। दरअसल वो मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे हैं सर। तो सर बहुत हो गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग। सर सर जैसा आप कहे। ओके सर, ओके सर। सर मुझे मालूम नहीं था कि आपके दोस्त की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जा सीधे पति गली पकड़ो। यस सर। जाओ तो मैं चलता हूँ। चलो, चलो चलो ब्रो। बाप जी काम। क्या बात है ब्रो। वैसे ब्रो तुम आखिर आए कहाँ से हो? वॉशिंगटन से, डेलस से, टेक्सस से? अरे कहीं से भी, तुम्हें देखकर बड़े भाई की याद आ गई। ओह ब्रो, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। रुको मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ, आज से तुम संतरा साम्राज्य के नए राजा हो। क्यों, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? तो तुम मुझे पक्का बुड्ढा समझ रहे हो? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, अगर मेरे बच्चे होते तो मैं संतरे बेचता, इससे मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता, अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। अरे जैसे फिल्मों में होता ना, तुम्हारी शादी का हॉल संतरों से सजेगा, संतरे का बिस्तर होगा, संतरे का चादर होगा, यूं समझ लो फूलों की जगह संतरे होंगे। तुमने तो मेरे अंदर की फीलिंग पकड़ ली ब्रो। वैसे तुम यूएस में करते क्या हो? यूएस में काफी बिजनेस कर लिए, अब इंडिया में होटल बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए मैं फूड सप्लायर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। मेरी मंगेतर भी फूड सप्लाई करती है। अच्छा? बड़ा मेस चलाती है वो। मिलवाता हूँ तुमको, तुम्हारी अच्छी जमेगी उसके साथ। तेरी किस बात की सर? अच्छा सुनो, तुम अपनी मंगेतर से मिलवाओगे तो हम दोनों के बीच कुछ मैं गलतफहमी नहीं चाहता। कह देता हूँ मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, बस बिजनेस में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज जो तुमने किया है ना, तुम्हारे लिए जितना करूँ कम है ब्रो, सो लेट मी हेल्प प्लीज। आप मिल लो सर प्लीज। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। चलते दादी, ये राजा है एनआरआई है अमेरिका से। नमस्ते दादी। मेरा जिगरी दोस्त है ये। राजा ये मेरी साली है। कैसी हो, सब ठीक तो है ना? क्या चल रहा है आजकल? दादी ये फिर से यहाँ क्यों आया है? इसे यहाँ आने से मना किया था ना? अब बात कुछ और है जानू। देखो मेरा नाम शैलजा है, जानू वानू के नाम से मत बुलाया करो मुझे। शैलू क्यों सड़े संतरी तरह फील करवा रही हो? दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो।
इसका नाम राजा है। गरीब लोगों को क्वालिटी और सस्ता खाना खिलाने के लिए ये मेस खोलना चाहते हैं। इसने काम में तुम इनकी मदद क्यों नहीं करती? एक्चुअली बात यह है कि इस बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कुछ दिन आपके साथ रहूंगा तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगी। अगर आप मदद करेंगी तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। प्रॉफिट आप ही रख लेना। मैं चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी भूखा ना रहे। मुझे लगा था तुम भी कोई बदमाश हो, बिल्कुल अपने इस दोस्त की तरह। मेरा नाम बदनाम कर रही है बुढ़ी, चुप कर। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। सही कह रही है दादी, सर का इमेज हर जगह जेंटलमैन का है। सच? आपकी फैमिली को देखकर मुझे अपनी फैमिली याद आ गई। इनकार मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, कल मैं मेस में आ जाती हूँ। श्योर, थैंक्स। आई एम सो हैप्पी ब्रो। अच्छा ये बताओ, पूरी फैमिली तुम्हारे खिलाफ क्यों है? अच्छा वो उसका छोटा वाला ब्रेकअप हो गया और तुम्हारी वजह से मेरी रीएंट्री हो गई। ये बड़ा संतरा निकला ब्रो। उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा देना और फिर हमारी शादी और फिर हनीमून पर जाएंगे हम लोग, वो भी संतरे के साथ। अरे दोस्त, तुम्हारी शादी मतलब मेरी शादी है ना? क्या कहा? हां इनकी शादी, तुम्हारी शादी है। नहीं समझ करनी है यार। मेरी शादी मतलब उसकी शादी? अरे वो तो मेरे भाई जैसा है। हेलो आइटम, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तेरी बहन घर में आया नहीं, जाके देखना। क्या बोल रहे हो तुम? उसे उठा लिया मैंने, जा जाके चेक कर। अरे जाना। हेलो दीदी। दीप्ति कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हुआ दीदी? नहीं कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करना। हेलो। क्या रे टेंशन में आ गई तू? मजाक था, मजाक था। अगर बाप का पता नहीं बताया ना तो टेंशन सच हो जाएगा। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। झूठ बोल रही है तू। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है। अब देख तेरी फैमिली का मैं क्या हाल करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैड मॉर्निंग है। अरे बैड मॉर्निंग क्यों? आज एक फंक्शन के लिए 2000 लोगों के लिए ऑर्डर आया था, लेकिन रेडी करते करते लेट हो गया। ओहो, तो उन्होंने पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ओह, ये तो गलत हुआ। अब ये कहेंगे हम ये भेज सकते हैं ना, वैसे भी हर डिब्बा इसके साइज का तो है। गलत आइडिया दिमाग में मत डालिए सर जी। माय डियर असिस्टेंट, हम ये सब भेज डालें। मैडम की आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए, खाने का एक दाना नहीं बचना चाहिए, सबका सब भेज डालो। बात वो नहीं है, इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अरे क्या कह रही हैं आप, क्या मैं आपको उदास देखकर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता हूँ? आपको भूख लगेगी तो मैं वेटर बन जाऊंगा, आपको प्यास लगेगी तो मैं मिनरल वाटर बन जाऊंगा, आपको सर दर्द होगा तो झंडू बाम बन जाएंगे, कमर दर्द हो तो टाइगर बाम बन जाएंगे। इस बिजनेस की क्या जरूरत है सर? आज के लिए यही बिजनेस है। हाँ। चलो आप यही रुकिए, हम गायब होते हैं। तो 200 कितने पैसे जमा हुए? गिनने तो दे पहले। 500 बड़े नोट गिन रहे हो? कितने आइटम बिके अब तक? बस यही काम बाकी था। अरे उस गरीब लड़की के लिए कुछ दिनों के लिए मदद कर दो यार। अब पापड़ चबाते रहोगे या काम भी करोगे? भूल जाओगे तुम पुलिस वाले हो, खाने की आदत छोड़ो और काम करो, समझ गए? रुक 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 रुक। क्यों जले बैगन, खाना खाया कि नहीं? इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये 2 दिन से भूखे हैं। अरे हमने खाना खा लिया। अरे इंसान को दोबारा भूख नहीं लगती क्या? खा लिया तो क्या हुआ, फिर खा ले। क्यों नहीं लिया तूने? क्योंकि मुझे दिमाग की दही नहीं करनी है। माफ कर भाई, रगड़ मत, उधर जाके बैठ। ज्यादा बात मत कर। सर एक मिनट रुके सर। अरे जा कहाँ रहे हो अंकल? लाइसेंस, सी बुक, RC, पॉल्यूशन, सब कुछ तो है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है, यही रुक जाइए। नंबर प्लेट नहीं है, उसको लगाने का टाइम नहीं मिला। जाओ जरा जाकर लंच कर लो। लंच? ओए टाइम क्या हुआ? अरे टाइम छोड़, सांबर बता है कि नहीं तेरे पास? तो दही खा ले। आ क्या बोल रहा है, चल। सर ये ऑटो को हवाई जहाज समझ कर चला रहा है। क्या धतिंग है, सुबह सुबह काय को रोकता है साहब? इसकी जबान लड़खड़ा रही, जरा चेक करो। आइला सुबह सुबह मेरे मुंह में ये मशीन डालोगे? आप ही बताइए ये दारू पीने का टाइम है क्या? दारू पीने का नहीं, छाछ पीने का टाइम है। छाछ? ये मशीन तो उधर है, तू मुंह में क्या डाल रहे हो? चल फूंक मार बे।
सर इसने कुछ नहीं खाया। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अभी अभी चार पीस चिकन खा के आया हूँ और एक प्लेट बिरयानी भी ढूंसा हूँ। उंगली चबाना बाकी रह गया है, हाथ सूंघ कर देखो। कौवा बिरयानी भी खाया इसने। बिरयानी की बड़ी गर्मी आ गई इसीलिए कौवे की तरह काय काय कर रहा है। इसका पेट खराब होगा, दही चावल खिलाओ। दही चावल इसके लिए। रुक रुक, आराम से बैठे। मूर्ति भी कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मुझे एक टीवी शो के लिए जाना है, मुझे जाने दीजिए। टीवी आर्टिस्ट है। नौटंकी, चल कपड़े उतार। ओके सर, मतलब साइड में। ओह सर सर, ये लीजिए, ये रखिए और मुझे जाने दीजिए। छुट्टी दे रहा है मुझे। हाँ। बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे। ओके सर, अब ये रखिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ए, 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 चंद्रा आओ इधर, आ जाओ। नौटंकी है सर। यो चंद्रा, पैसे देके कल्टी मार रहे हो? हाँ सर प्लीज जाने दीजिए, मुझे एक डांस शो के लिए जाना है। डांस शो? हाँ सर। तो हमें भी दिखा दो, दो चार ठुमके। हम तो लंच करवा रहे हैं ना सर। लंच बाद में, चंद्रा आया थोड़ी मस्ती होने दो। सर आप तो हमसे बहुत अच्छा नाचते हो। अच्छा, तूने तो कहा था तू नाचेगा, तूने तो हमको ही नचा दिया अपने इशारों पे। थैंक यू सर। ठीक है, कुछ खा पी के चले। सर आप तो महान हो, फ्री में लंच खिला रहे हो। पेमेंट दिया और खा के जा। ये क्या चल रहा है सर? रिवॉल्वर राजा का जलवा। जिसने भी लंच किया उसे पैसे लेना, कोई उधारी नहीं। यहाँ बेटा जरा सुनो, हॉस्पिटल आए थे, कुछ बुजुर्ग है, पैसे नहीं है बेटा, क्या कुछ मदद करोगे? भूख के मारे नीचे पड़े हैं। बेटा मेहरबानी होगी अगर तुम उन्हें खाना खिला दो। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए मैडम, हमारे खून पसीने की कमाई। क्यों भाई, 2000 लोगों का खाना इतने सस्ते में बेच दिया, तुमने कोई कमीशन तो नहीं लिया? शायद इन लोगों से गलती हो गई होगी। ये ले कार्ड, पैसे ले। पैसे निकालने की क्या जरूरत है, खाना बिका नहीं क्या? वो क्या ना, हमने कम पैसों में बेचा तो। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। क्या इसने क्या गलत बोला है सर, हम तो बेच ही रहे थे मैडम, लेकिन सर ने बिना पैसे लिए गरीबों में खाना बांट दिया। मैं बताता हूँ मैडम, हमारे सर ने तो गरीबों को बिना मांगे खाना खिलाया है। कहते हैं माँ भी कभी बिना मांगे खाना नहीं देती, आपने तो बिना मांगे गरीबों को खाना खिलाया है। उससे कई गरीब लोगों का पेट भरा है आज, उन लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए आप रुकिए, सबको 100-100 रुपए देकर ही भेजिएगा, सबने बहुत मेहनत की है, सबको खाना खिलाकर भेजना। चलिए चलिए, स्टेशन जाके तुम सब वड़ा पाव खा लेना। ठीक है सर। इसने हमें क्या समझ रखा है? उसे लगता है मजदूर है। शास्त्री कहाँ है? और उसने जो वीडियो लिया था वो दे दे, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तेरे धमकियों से डरने वाला नहीं मैं शास्त्री को किसी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। तेरे सारे घटिया कारनामे अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा और तुझे तेरे एमएलए के साथ सजा दिलाऊंगा।
सिटी मेयर बनने का सपना भूल जा, तुझे कॉर्पोरेटर भी नहीं बनने दूंगा। तेरी तलवार से ज्यादा मेरी कलम तेज है बे। सही कहा तूने, यही है ना? अरे पानी पिलाओ भैंसों को। और इसके साथ मेरी हाफ सेंचुरी पूरी। थैंक्स मूर्ति, तेरी आत्मा को शांति मिले। भैया नमस्ते। एमएलए पुचप्पा नमस्ते। मैं ये कह रहा था मलेश, हाँ मूर्ति को टपका दिया ये तो ठीक किया, लेकिन शास्त्री का पता चला क्या? पता नहीं। हे भगवान, मेरा दिमाग फट जाएगा। बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं। अगर शास्त्री वो वीडियो सामने आ गया ना, तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरी एमएलए की सीट हिल जाएगी और तू कभी मेयर नहीं बन पाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हमारे पंटर शास्त्री की बेटी के पीछे है। अरे धमकी से बात नहीं बने तो उसके टॉर्चर की डोज बढ़ा दो ना। ठीक है भाई, जीना हराम कर दो उसका। कर रहे हैं, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, समझा कि नहीं? डार्लिंग, भैया मेरी पत्नी आ गई, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। आओ चल आराम से। कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? दादी खाना खा लो। क्या खाऊं मैं, तुम्हें पता है ना, अपने बेटे से रोज बात करके खाती थी मैं, अब नहीं खाया जाता मुझसे। दादी अगर मैं भी ऐसे घर में बैठ के रोने लगी तो बच्चों का क्या होगा बताओ? प्लीज दादी मेरे लिए खाना खाओ। दीदी हेलो, मैं जर्नलिस्ट मूर्ति की पत्नी हूँ, मुझे तुम्हारे पापा के बारे में अर्जेंटली बात करनी है। अब कहाँ आना पड़ेगा? हेलो, सरप्राइज एंट्री से चौक गई क्या? हम दोनों का तो पैचअप हो गया ना, क्या करूं? तुमसे मुझे अकेले में मिलना है और तुम मिलना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें गोविंदा के स्टाइल में रास्ते में रोक दिया। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है जीजू, प्लीज रास्ते से हट जाओ। रोको किसने, जाओ ना, लेकिन मुझे जानू कह के पुकारो ना। हे, पागल हो गए हो क्या? मैं किस टेंशन में और तुम्हें शादी की पड़ी है? तुम्हारे बाप का चक्कर ना, पता है कल मैं एक पंडित से मिला, जानते हो उसने क्या कहा? तुम्हारी पहली बीवी के मरने के बाद तुम्हें संतरे जैसी बीवी मिलेगी, यानी हमारी लाइफ सेट। मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों रोज मिले और चांदनी रात में एक साथ बैठकर संतरे खाएं, बस तुम्हें एक बार। हाँ कर दो, डेट मैं फिक्स कर दूंगा। जस्ट शट अप, पहले हम अपने पापा के लिए परेशान हैं और तुम मुझे बीच सड़क में रोक कर ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। अगर दोबारा शादी की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब बहुत लेट हो गया है, फिर कॉल करती हूँ तब आ जाना। ओके बाय। छी, तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया, फिर से शादी की बात की ना तो। आप पीते ही रहोगे या बात ही करोगे? बात करने को रह क्या गया, मेरी जिंदगी मिक्सर में पिसे संतरे की तरह हो गई। अगर वो मान जाए तो मैं संतरे का बगीचा खरीदूंगा। मेरी सारी ने मुझे पागल कर दिया है, उसने मुझे धमकी दी है कि शादी की बात मत करना। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को 12 बजे मैं 40 साल का हो गया हूँ। चुप कर, लॉटरी लगी है क्या? चुपचाप बैठ जा आराम से। मैंने सोचा था शादी करके कम से कम 10 साल खुशी से बिताऊंगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है मैं वैसे संतरे की तरह हो जाऊंगा जो कभी बिकते ही नहीं है। मुझे बचा लो ब्रो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, अब रास्ता भी बता दो ब्रो। देखो, कोई भी लड़की हीरो जैसे लड़के से शादी करना चाहेगी, तुम्हें बस हीरो जैसा बनना पड़ेगा। और हीरो बनने के लिए कल से मैं तुम्हारे हर सीन में हीरो पंती की तुम्हारी डिग्री बढ़ा दूंगा, नीचे से तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा। मैं समझा नहीं। हम समझ गए, कंटिन्यू। शैलू जब मार्केट में सब्जी खरीदने जाएगी तो टिप टॉप बन के एंट्री मारना हीरो की तरह।
तुम्हारी बातों से मेरे अंदर जोश आ रहा है ब्रो। कल से देखो मैं किसी हीरो की तरह उसके सामने जाऊंगा, उसके होश उड़ा दूंगा। या थैंक यू ब्रो। संतरा भूल गया गुरु, तुम्हें मेरे संतरे की इतनी फिकर, ड्रॉप करो। आई लव यू, लव यू टू। सर नाकाबंदी आया, गाड़ी पार्क कर। ओ तेरी क्या? अबे ये क्या? ब्रो टी-शर्ट मस्त है, कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं लग रहा? टाइट या लूज से क्या फर्क पड़ता है, हीरो लग रहा हो ना? हाँ एकदम छकास लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। अगर सामने कोई भी हीरो आए, सलमान हो या शाहरुख खान, टाइगर या वरुण, रणवीर सिंह या कपूर, सबकी वार टका दूंगा मैं। हे क्या बोल रहा है तू? वो क्या है ना, मैंने कल रात को उन सबकी फिल्म देख ली। अरे वो देख, वही लड़की जिसके बारे में भाई बोल रहे थे। ओए आ भाई, जा उसकी बहन को लेकर आ। ब्रो देखो शैलू आ गई, जल्दी से अब मुझे सीन बताओ, मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा, पटा दूंगा। इन कपड़ों में कैसे हीरो बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ए, जाने मन, रोज देख रहा हूँ, बिना देखे निकल जाती है। ए, जाने मन, कभी हमें भी देखा करो, बस एक चुम्मी या एक झप्पी दे दे। सीन अपने आप बन गया है ब्रो, छोटी बहन को छेड़ने वाले की पिटाई की तो बड़ी बहन के लिए तुम बन जाओगे हीरो, हीरो। सुपर, वो किल देम ऑल। जीजू आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी सालियों पर कमेंट किया तो तुम ज्यादा दिन धरती पर नहीं रहोगे। अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो, समझे तुम लोग? अगर आइंदा किसी लड़की पर कमेंट किया तो तुम लोगों का वो हॉल करूंगा जैसा कि मैं एक संतरे का करता हूँ। समझ नहीं आया, फिर से बोलो। कान साफ कर। ए मलिंगा, जब मैं डायलॉग मारता हूँ तो सब लोग साइलेंट रहा करो, वरना मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अगर चुप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? ए रोड साइड, कहा था ना जब मैं डायलॉग बोलूँ तो साइलेंट रहा कर, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाता हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो टच कर, टच कर, टच कर। ब्रो इमेज का जूस निकल गया। देख रहा हूँ, मेरी शैलू मुझे देख रही है। सही तो देख रहा हूँ। ये सीन संभाल लो ब्रो, अब उस विलन से पिटे हुए हीरो का बदला तुम लोग ब्रो। फिगर नॉट। ए जाने मत, कौन बात कर रही है तू? पिंकी तो लग गई। सॉरी दोस्तों, गलती से मिस्टेक हो। तेरी के क्या शॉट है? थोड़ा फटका तेज था, सॉरी, माफ कर। अरे क्यों मेरे हाथों से गुनाह करवा रहे हो? रुक जा, मैंने बोला था ना मेरे हाथों से। अरे क्यों मेरे हाथों से जुल्म करवा रहे हो? क्यों मुझसे गुनाह करवा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओए कहाँ जा रहा है? लगता है तेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, अभी हल्के हल्के फटके दिए, लगता है अभी रास्पबेरी निकालनी पड़ेगी। ए गिरी ला जरा फटका। सर इनकी बैंड बजाइए। खुद पे फूल फेंके कोई हीरो नहीं बनता, फूल अपने आप गिरने चाहिए, उसे कहते हैं हीरोगिरी। तुझे ऑडियंस मिल जाए तो डायलॉग बहुत मारता है, बोलने में क्या जाता है? तुमने तो खून खराब कर दिया ब्रो, तुम तो लड़ाई झड़ के खिलाफ थे ना ब्रो, सडनली तुम्हारे कैरेक्टर में इतना बदलाव कैसे? ओह माय गॉड, खून नहीं अनार का जूस। तुमने तो कहानी बदल दी। मम्मी बहुत खून निकल रहा है। ओ मोटा गेट इधर देख, वो खून नहीं था, अनार का जूस था, पोमेग्रेनेट। अच्छा सच में बहुत टेस्टी है, क्या ये सुपरमार्केट का फ्रूट है? खा लिया ना तूने, अब चल। ची ची ची, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी भयानक बेइज्जती हो गई। अरे ये तो जज्बाती हो गए। अरे ए एम्बुलेंस बुला रे, शेर जख्मी हो गया। अरे वो सब छोड़ो, आराम से बैठ जाओ। अच्छा ब्रो, तो वहाँ हीरो बन गया, यहाँ हीरो बन गया,
मैं धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का, दिमाग का दही हो गया। सर इसके गुस्से से लग रहा है कि इसे गहरा सदमा लगा है, कोई ऐसा सीन सुना दीजिए जिससे शैलू का दिल पिघल जाए और ये शांत हो जाए। आइडिया, ऑपरेशन डैड विद लव। अरे तुम्हें ऑपरेशन की पड़ी है या मेरी खटिया खड़ी है? दिलवाले में शाहरुख अपने डैड से बहुत प्यार करता है ना। शैलू अपने डैड से प्यार करती है ना? हाँ, अगर तूने उसके घर जाकर उसके डैड का बर्थडे मनाया तो बर्थडे मना के मैं उसके दिल में घुस जाऊंगा। सही है, क्या बात। ये इतनी रात को ओए पगले, क्या हो रहा है इतनी रात को? नींद खराब कर दी सबकी, कहीं और जाओ। इमोशन है दादी माँ, इमोशन। कैसा मोशन? ये बुढ़िया सीन का कबाड़ा कर देगी। ओए बाप जी, आधी रात को ये सूट चश्मा पहनकर क्या तमाशा दिखाना चाहते हो? बॉयज रुक जाओ, तुम्हारा पैकअप हो गया। इन दोनों फलों में कौन सा सड़ा है कौन सा ताजा है? अरे पगले, साफ साफ बात कर। अगर बता दिया तो समझ जाओगी ना। फल के सिद्धांत समझाता हूँ। भूख, नींद और सेक्स, ये इंसान और जानवर की चाहत होती हैं। Am I right? लड़कियों के सामने क्या बकवास कर रहा है बदमाश कहीं का। ओके ओके समझ गया। आप मुझे मारेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि आई एम अ मैन विद जीरो इमोशन। लेकिन मेरे लव का इमोशन हाइपर एक्टिव है, कुछ इस तरह, इस बीट की तरह। रुको, बहुत हो गया ये बीट, हमें दिख रहा है। जीजू अब क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गई तो सीन सुपर हिट होगा। मतलब अगर मैं अनारे होता तो सॉन्ग भी समझ लेती और सीन भी। Am I right? दिमाग खराब हो गया है। सॉरी, मैं तुम्हें अपना रूल ब्रेक करके सीधा सीधा बताता हूँ। आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है। हाँ वो तो है। बॉयज, तुम्हारे डैड का बर्थडे आज सेलिब्रेट करना चाहता था तुम सबके साथ मनाऊं, अपने इमोशन को शेयर करना चाहता था। मैं इमोशनल फूल यहाँ पर अपना इमोशन शेयर करने आया और आप लोग इमोशनल हो गए, लेकिन कोई समझा नहीं। पता ही नहीं चलता कि दिन रात कैसे कट रहे हैं। लानत है मुझ पर, मैं अपने बेटे का जन्म दिन। दादी उदास मत होना, जीजू आप तो सच में बदल गए हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, आई एम जीरो कैरेक्टर, जीरो इमोशन, जीरो फैक्ट। राजा तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे डैड का बर्थडे है ना, तो बाप जी मुझे जबरदस्ती ले आए। अच्छा किया जीजू, आपकी नादानी में कुछ तो इमोशंस हैं। यस यस यस। मैं तुम्हारे डैड से कभी मिला नहीं, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है, टूर पे गए हैं। तो फिर उन्हें कॉल करके विश करते। बाप जी क्या ये बताना चाहिए था? ब्रो मैं तो भूल ही गया था, इमोशन में बह गया था। शैलू जाकर जल्दी से डैड को कॉल करो, उन्हें अच्छा लगेगा हमसे बात करके। हाँ हाँ दीदी, प्लीज कॉल करो। बेटा एक बार उनको कॉल करो, ये सब हमारे ही है ना। करो करो बेटी करो। अच्छा कॉल करती हूँ। बेटी शैलू। हेलो, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। पत्रकार की हत्या में उसका कोई गिरफ्तार नहीं होगा। मूर्ति का मर्डर कैसे हुआ? जवाब दीजिए। एक मिनट, एक एक करके पूछिए प्लीज। हम छानबीन कर रहे हैं, हम जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे और फिर आपको विस्तार से बताएंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके राजा। सर आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। कम, सुना तुमने, जर्नलिस्ट मूर्ति की मौत हो गई। सब चैनल वाले बोल रहे हैं कि वो एक मर्डर है। हाँ सर देखा मैंने, खून देखकर मैं तो दहल गया, मैं अपनी आंखों से खून देख नहीं पाता, आप तो जानते ही। राजा राजा सिंपति से काम नहीं होगा, इट डजंट हेल्प, हमें मुजरिमों को पकड़ना ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, इट्स माय ड्यूटी। दैट्स ग्रेट। सर 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 प्लीज सर, हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द चुका दूंगी। हम पर रहम कीजिए, मैं इस बंद हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज सर। देखो लड़की, मैं तो सिर्फ एक सरकारी नौकर हूँ, तो मुझ पे अब रोने धोने का कोई असर नहीं होता है, तो मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा 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 पैसा। ये अच्छा मौका है,
आज मेरी हीरोगिरी साबित हो जाएगी। इस मैटर को मैं अकेले संभाल लूंगा, वो आज मुझ पे फिदा हो जाएगी। क्यों रे, अगर तुझ में हिम्मत है और अगर तू मर्द है तो इस ताले पे सील लगा के दिखा। दाना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे हीरोगिरी दिखाता है? इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरो है, ये मल्टी सारा फिल्म नहीं है। मैंने बोला तूने सील लगा दिया, मेरे सामने हीरो बनता है? रुक, अभी दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में संतरा काम नहीं आएगा, रोड दे। सुनो जीजू, क्या कर रहे हो? रुको, चलो मुझे मत रोको। स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? इधर इधर। ओफो, अरे शैलू है। हेलो हेलो, सुनो राजा, मुझे क्या देता है? मुझे धमकी देता है? जो कहना है जाके कहो, मैं संभाल रहा हूं। सुनने वाला, चुप करो तुम। ये तो पुलिस ड्रेस में आया है। ब्रो, क्या सुपर टाइमिंग है, नेम प्लेट और ड्रेस इतनी जल्दी बनवा ली। और इनके पास तो गन भी है। डमी डमी, मत बोल। सर सर सर, सही टाइम पे आए, ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। इसने मेरा कॉलर भी पकड़ा। सर सर, इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खूब पिटाई करो। बाद में बात करते हैं, पहले सील खोलो। सर ये इनकी गलती है। किसी की भी हो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो भी भरपाई होगी मैं कर दूंगा। जाओ जाके पहले सील खोलो। सर मैं आपकी वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्हें घसीट के अदालत ले जाना चाहिए। अरे चले, सब अदालत में देख लेंगे। देखते हैं, चलो चलो सील हटाओ। क्या बात है ब्रो, नकली वर्दी से डर गया? हेलो, देखा मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजा को नकली वर्दी में यहाँ बुलवाया। इसे कहते हैं स्मार्ट हीरोगिरी, है ना? अरे सील हटाया कि नहीं? वो वापस कभी नहीं आएंगे, मैं देख लूंगा, ठीक है? थैंक्स अ लॉट राजा। ये लो पकड़ो इसे, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब निकलो यहाँ से, दोबारा कभी मुड़के मत आना, ठीक है? सदमा लगा? सर सबकी मदद करते हैं, उन्होंने ऐसा किया ताकि तेरी नौकरी नहीं जाए। ब्रो ये रहा अगला सीन, सीन मैंने खुद लिखा है। उत्तरी सर, पहली बार हीरो ने अपना सीन खुद लिखा है, तू तो मल्टी विटामिन हीरो है भाई। मल्टी विटामिन नहीं, मल्टी टैलेंटेड। इसमें मेरा क्या रोल है? जब मेरी शैलू आएगी उसे आई लव यू बोलना है। कट्टू, मैं ताली बजाता हुआ एंट्री मारूंगा और शैलू को लेक्चर सुनाऊंगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा कि गली का हर छोकरा उसे आई लव यू बोलेगा अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो। मेरी शैलू सोच में पड़ जाएगी, उसे मुझे खोने का डर लगने लगेगा और यूरोप में हम दोनों गाना गाने के लिए निकल। अरे रुको रुको ब्रो, इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो क्या वो फंसेगी? क्या कह रहे हो ब्रो, वो तुम्हें हाँ बोल देगी। इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी को आई लव यू बोलोगे ना तो फंस जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम अभी नहीं गए तो अपने संतरे की कसम। संतरे की कसम मत खाओ वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ओके ब्रो, मेरी शैलू आ गई। तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये मेरे दिल की धड़कन है। क्या हो ब्रो, ये तुम्हें क्या हो गया, एक कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? लगता है तुमने सिचुएशन को सीरियसली ले लिया है। हा? बोलना मत शैलू मेरी है, मेरी वो तुम्हारी भाभी है। हाँ आप जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट सर। राजा अचानक यहाँ कैसे आ गए तुम? क्या कहूँ इसको, ये साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, डैड ने दी थी क्या? ये पूछने के लिए आए थे। ये क्या हो रहा है? हाँ। ये उससे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? सर सभी आपकी तरह सीधा नहीं बोल सकते ना, थोड़ा स्क्रीन पे तो होना चाहिए। मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम? तुम्हें क्या कमी है, तुम सोना हो, जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना बहुत लकी होगी। जानते हो अब ये भी मेरी संगति में रहकर डायलॉग मारना सीख गई है। तुम जल्दी समझ जाते हो। छोटी बात है क्या? तो तुम क्यों नहीं बन जाती वो लकी लड़की? शायद तुम्हें बुरा लगा हो पर मैंने अपने दिल की बात कह दी, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मस्त एक्टिंग कर रहा है, इस बार का नेशनल अवार्ड तो ले गया है। लेकिन मुझे तुमसे सुनना है, अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी ये शादी हो पाएगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सुपर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी शादी में और देरी हुई तो हर लड़का तुम्हें ऐसे आई लव यू बोलेगा, और तुम्हें ये बात समझाने के लिए मैंने ब्रो के साथ मिलकर नाटक किया। क्या बात है ब्रो, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या डायलॉग्स थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
You did very good job. Keep it up. कैसा लगा जानू? चलो यहाँ से जल्दी से कट लेते हैं. कोई आवाज आई? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा. एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हें. जब बीच रास्ते वो गुंडे छेड़ रहे थे तब मेरी बहन को ले जाकर तुमने उन्हें जानबूझकर रुकसाया. अच्छा हुआ कि ये वहाँ टाइम पर आ गए, नहीं तो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती. लानत है तुम पर. वो मेरी गलती थी, मैंने ही लोन के इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की थी और तुमने बैंक मैनेजर पर हाथ उठाया. ये पुलिस ड्रेस में वहाँ आए और चेक देकर सारी इंस्टॉलमेंट्स चुकता कर दी, नहीं तो आज हम सब जेल में होते सिर्फ तुम्हारी वजह से. इसने ये सब मेरे सामने हीरो बनने के लिए नहीं किया बल्कि मुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया. ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं. सुनो, वो शादी के लिए ये सब ड्रामा नहीं करते. राजा, आज तुमने जो मंदिर में कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ये बात मेरे दिल को छू गई. मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ. आई लव यू. ये कैसा ट्विस्ट है? क्या लगता है उसे? मैंने उन दोनों को मिलवाया था, इश्क लड़ाने के लिए नहीं. क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? मेरी बात ध्यान से सुन लो. उसकी शादी मुझसे होगी. उस लड़के ने ब्रो बन के धोखा दिया है. मेरी पीठ पे खंजर मारा उसने. ये क्या बोल रहे हैं जीजू, ऐसा नहीं हो सकता. मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, वो ब्रो तुम्हारा जीजू बन गया है. वो उससे ही शादी करेगी, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है. सुन, अगर उसने ऐसा कहा होगा तो पक्का कोई कारण होगा. अरे कारण तो होगा ही. मैं यहाँ संतरे बेचता हूँ और वो अमेरिका से आया हुआ NRI है और पैसे वाला भी है. जैसे उसे पता चला उसे फंसा लिया. समझ गई? संतरा अच्छा हो या खराब, एक बार खरीद लिया तो वापस नहीं किया जाता. चाहे उसका रंग खराब हो या खाने में खट्टा हो, एक बार बिका तो बिक गया. ऐसा हंगामा मत कर, पड़ोसी सुन लेंगे. पहले से ही घर की बदनामी हो रही है. अब खोने के लिए बचा ही क्या है? जिन्हें नहीं पता उनको भी बताऊंगा मैं. अरे आ जाओ, हमारे घर की कहानी सुनो. मैं इस घर का दामाद हूँ, वो इस घर का दामाद नहीं है. आए तो उसे बता देना. सात फेरे, सात रस्म और शादी भी इस 40 साल के जवान के साथ होगी. कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने शादी में कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संतरे की कसम. उसे शादी के लिए मनाओ. क्या हुआ डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक. हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, ऑपरेशन करना होगा, अर्जेंट है. तो देर किस बात की है डॉक्टर? उन्होंने कहा उनका बेटा यहाँ होना चाहिए. वो ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होंगी जब तक उनका बेटा यहाँ नहीं आता. शैलू, इस वक्त तुम्हें कमजोर नहीं होना है. देखो, रोने से कोई फायदा नहीं होगा. जल्दी से अपने डैड को बुला लो, नहीं तो दादी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी. अब उठो, उन्हें कॉल करो जल्दी. आईटी ऑफिसर नारायण का मर्डर करके केएलएन शास्त्री फरार हो गया. तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमारे हाथ नहीं आया. सर, कितनी बेरहमी से खून किया है, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? इंसान है या जानवर? सही कहा, यही है वो जानवर. कृष्णा, ये केस तुम्हें लेना चाहिए. उसकी दूसरी बेटी को पता होगा कि वो कहां पर है. फरार होने के बाद वो उसी से कॉन्टेक्ट कर रहा है.
हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस ने उसकी फैमिली से कड़ी पूछताछ की है। पुलिस के डर से उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मैं ये केस तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस केस को प्यार से हैंडल करो। अब ये केस जल्दी सुलझाओ। ये क्या माँ, तुमने ये क्यों कहा कि मेरे बगैर ऑपरेशन नहीं करवाओगी? कम से कम एक बार तुम्हें देख तो लूंगी, बस यही काफी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जीऊं या मरूं। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, घबराओ मत। पापा और कितने दिन हमें ये सब सहना होगा? बेटा बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, इसलिए मैं खुलकर सामने नहीं आ पा रहा हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे यकीनन जेल हो जाएगी। जेल में खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। हम आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, और तो और ना ही इस हालत में हूँ कि तुम लोगों की शादियाँ करवा सकूँ। एक फरिश्ता हमारी मदद कर रहा है, जब तक वो साथ में हमें किसी बात की चिंता नहीं। राजा हमारे लिए आपकी तरह ही है पापा, यकीन रखिए कुछ नहीं होगा। वो सच में हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। हाँ बेटा, वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता ही है। नहीं, उसकी हालत देखकर मैं उसे गिरफ्तार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उस बेचारे को उसके बच्चों से दूर कैसे कर सकता हूँ? उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट। और जानते हो मैं कौन हूँ? पुलिस, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस, और ये एसीपी राजा, क्राइम ब्रांच। क्यों, पैरों तले जमीन खिसक गई? ये सब हमारा प्लान था। इन्होंने इससे प्यार का नाटक किया सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। पता है तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा? पहले तुम्हारे जीजा से दोस्ती की, फिर तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हारे परिवार के करीब आया सिर्फ तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए। यही नहीं, तुम्हारे बाप के जन्मदिन पर तुम्हारे जीजा के हाथों केक भी भिजवाया, और तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ फोन पर बात करने के लिए मजबूर भी करवाया ताकि हम इसका लोकेशन ट्रेस कर सके। और जब तुम सर के प्यार के जाल में फंस गई तो इन्होंने तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे कई सवाल भी किए। पता है क्यों? इसे गिरफ्तार करने के लिए। जब तुम्हारी दादी ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई तो डॉक्टर को हमने बेहोशी की वजह हार्ट अटैक बताने को कहा, और तुम्हारे बाप को बिल से निकलवाया, और ये सब किया हमारे एसीपी राजा सर ने। और इसे अरेस्ट करने का क्रेडिट जाता है मुझे। सर जल्दी चलिए, वो पागल उन्हें गोली मार देगा। प्लीज सर जल्दी चलिए, प्लीज प्लीज।
अरे सुनो, यहाँ किसी पुलिस वाले को देखा क्या? मैंने नहीं देखा सर। ये खून कैसे लगा? अंधेरे में किसी ने मार दिया सर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर मुझे इस पर शक हो रहा है, चल पुलिस स्टेशन चल। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे उस बेचारे को पहले ही चोट लगी है, दर्द हो रहा है उसे। जाओ 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 तुम जाओ। सर ध्यान से जाना। ठीक है दीदी। शैलो, शैलो मेरी बात सुनो प्लीज। अब बस बहुत नाटक हुआ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसी क्या गलती की जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुम मेरी जिंदगी में आए और मैं तुम्हें फरिश्ता समझने लगी, लेकिन तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया। क्या यही तुम्हारी असलियत है? तुम्हें जरा सी भी इंसानियत नहीं है? तुमने अच्छा ड्रामा किया, मुझे लगा था तुमसे कोई और नहीं है। सही है, तुमसे कोई और हो ही नहीं सकता। छी, पूरी जिंदगी भी तुम्हें कोसू तो कम पड़ेगी। सुनो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो हमारी फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचेगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा, याद रखना। आखिर मेरी गलती क्या है? एक पुलिस वाला होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है, एक इंसान के नाते तो मैं उन्हें भी चोट नहीं पहुंचा सकता जो गलती करते हैं, लेकिन पुलिस होने के नाते मुझे शैलू का भी दिल तोड़ना पड़ा जिसका कोई कसूर ही नहीं था। मैंने जिंदगी भर के लिए उसकी आंखों में आंसू दे दिए, अब उसे कन्विंस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके डैड के केस की छानबीन करनी होगी। शैलू एक मिनट, कैसी हो तुम? जिंदा हूं अभी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद मी। तुम्हारे डैड इस मर्डर केस में कैसे फंसे? मल्लेश और तुम्हारे डैड का क्या संबंध है? मुझे ये सारी बातें जाननी है। मैं तुम्हारे डैड को रिहा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस करो अब, झूठ की भी हद होती है। राजा एक बार यकीन किया था मैंने तुम्हारा, तुमने तो दोस्ती के नाम पर भी धोखा दिया मुझे। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। शैलू जिद मत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। छोटी बच्ची समझकर पूछा था बड़े प्यार से तुम्हारे बाप के बारे में, बताओ वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? तुमने कहा था पता नहीं ना। ए, लेकर जाओ इसे। नहीं, नहीं सर, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे, वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ, हमें कुछ नहीं पता, प्लीज उसे। चाहे किसी को कॉल कर या किसी से भी पूछ, कल सुबह वो मेरे पास होना चाहिए। और याद रखना, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? छोड़ दे उसे। भैया वो एसीपी की गर्लफ्रेंड है, वो उसे बता देगी। हे शिवा, अरे अरे अरे, देखो रुको, इसको एक मिनट,
सर वो ट्रक वाला मुझे पता कहाँ गया होगा। क्या सर, मलेशिया यादव के गुंडों ने आप पर हमला किया, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ दिया और यहां आराम से बैठ के ड्रिंक मार रहे हैं। बड़े दयालु आदमी हैं। सर तो दया के प्रतीक हैं। ऐसे आदमी आजकल मिलते कहां हैं? कुछ भी पके जा रहे हो, पागल समझ रखा है क्या मुझे? बेवकूफ था मैं जो इनके सिद्धांतों पर चल रहा था। सारी इज्जत खत्म, कोई इज्जत नहीं रह गई आपकी। ये देखो मेरे असिस्टेंट्स भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहां गए आपके सिद्धांत? सब बेकार है। गुंडे हो, जालिम हो, लेकिन होते तो सब इंसान ही है, यही कहा करते थे ना आप। उन बातों का क्या सिला है? मैंने इतनी दया दिखाई और लोगों ने मुझे क्या समझा? मैं कमजोर हूं, बुजदिल हूं, हां, लेकिन ये सब क्यों किया मैंने? अच्छा होता कि वहीं पकड़कर वहीं पर ठोक डालता, लेकिन आपके उपदेशों के कारण मैं एक मजाक बनकर रह गया। मगर मेरे पिता ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि उनका खात्मा कर सकूं। मैंने उस बेचारी शैलू का दिल तोड़ दिया झूठी दया दिखाने के लिए, लेकिन आप किसी भी सूरत में अपने दुश्मनों पर दया नहीं दिखाऊंगा। चीर के रख दूंगा। साथी का Hey!
शेर हर मर्द के अंदर होता है, सिर्फ उंगली करने वाला चाहिए, और तुमने उंगली करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ए, मुझ पर अटैक किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगा तेरी। बेचारा राजा, बहुत ही अफसोस हो रहा है उसे। तुम उसे कितना भी अनदेखा करो, पर वो किसी न किसी तरह हमारी मदद करता ही है। हमें ऐसे ही इंसान की मदद चाहिए। दादी, उसकी सिफारिश करना बंद करेंगी आप? क्यों ना करूं? उसकी क्या गलती थी? यही नहीं बताया ना कि वो पुलिस वाला है? क्या तुमने उसे बताया था अपने पिता के बारे में? सब कुछ ना कुछ छुपा दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ राजा ही वो हिम्मत वाला है जो मेरे बेटे को बेगुनाह साबित कर सकता है। हाँ शैलू, तुम्हारा मन नहीं है तो प्यार और शादी की बातें मत करना। अगर वो तुम्हारी पापा को बरी कर देता है तो फिर आगे सोचेंगे। तब तक मुस्कुराने की कोशिश करो, हमारा भी काम बन जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? दीदी, पापा का मैसेज। दीदी, दीदी, पापा का मैसेज। क्या लिखा है? लिखा है, मैं एक दोस्त के पास बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कॉल मत करना, पुलिस ट्रेस कर रही है। हम मैसेज से ही बात करेंगे, जब भी मौका मिलेगा मैसेज भेज दूंगा। मेरी चिंता मत करना, अपनी माँ और बहनों का अच्छा ख्याल रखना। थैंक गॉड, पापा सुरक्षित हैं। अब बस जल्दी। दीदी, राजा आए हैं। उसे अंदर बुला लो, बुला लो उसे। ठीक है, बुला लो। क्या लोगे राजा, कॉफी या टी? ग्रीन टी चलेगा। हाँ, कैसा टी? मैं बताता हूँ दादी जी, गरम पानी लीजिए, उसमें उसका एक पैकेट डालिए, पीते ही पेट अंदर चला जाता है। अबे ये क्या, मामला बड़ा फास्ट हो रहा है यार। सर, लगता है कि मैडम मान गई है। लीजिए ना, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। सुनो, अरे तुम वहाँ खड़े क्यों हो? इन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी क्यों नहीं दे देते? चलो यहाँ आओ। दादी जी, प्राइवेसी नहीं होता, प्राइवेसी होता है। चुप कर पगले, मुझे सिखाता है। तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पुलिस हो और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। ओके। वैसे तुम्हारे डैड ने इस केस के बारे में कुछ बताया? उस रात पुलिस ने उन्हें धमकाया था, गुंडों ने भी परेशान किया, उसके बाद फिर जुल्म को जला दे, जुल्मी को मिटा दे, बड़ी की ये ताकत दिखा दे, दिखा दे। क्या है तेरी हस्ती, तुझ में कितनी शक्ति, आजा तू इनको बता दे, बता दे। दुश्मनों को ना छोड़े, ऐसा वार तू दिखा दे। सुपर है तू इन सब के सामने, सुतबाही मचा दे। दुश्मनों को ना छोड़े, ऐसा वार तू दिखा दे। सुपर है तू इन सब के सामने, सुतबाही मचा दे। जुल्म को जला दे, जुल्मी को मिटा दे, वर्दी की ये ताकत दिखा दे, दिखा दे। क्या है तेरी हस्ती, तुझ में कितनी शक्ति, आजा तू इनको बता दे, बता दे। What's this, राजा? क्या है ये? आईटी ऑफिसर के मर्डर केस का सच है ये सर। मल्लेश के गुंडे शास्त्री जी की फैमिली को बहुत परेशान कर रहे हैं सर, और एक तरफ उस मूर्ति को किसी वीडियो के लिए मल्लेश यादव ने मार दिया,
इन दोनों बातों से ये साफ हो जाता है कि शास्त्री जी के साथ साथ हमें मलेश यादव और एमएलए को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताओ राजा कि शास्त्री ने नारायण को मारा क्यों? शास्त्री ने उसे नहीं मारा सर। मारा नहीं तो फरार क्यों हुआ? मैं बताता हूँ सर। इस मर्डर के हर पहलू को समझने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला है। उस एमएलए के घर पर आईटी ऑफिसर शास्त्री और नारायण ने अपनी टीम के साथ उसके घर पर रेड डाली थी। वहां पर उन्हें 4 करोड़ कैश, 4 किलो सोना, कुछ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव्स मिली। इस सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया और रात 11:30 बजे जब शास्त्री एक फाइल चेक कर रहे थे तब नारायण को एक वीडियो मिला जिसमें एमएलए और मल्लेश यादव की बीवी अय्याशी कर रहे थे। नारायण को यह वीडियो रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और बिना टाइम गवाए उसने एमएलए को फोन कर दिया और यह वीडियो मल्लेश यादव को ना दिखाने के लिए उसने एमएलए से 1 करोड़ की मांग की। क्या? मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई है, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। एमएलए को डर था कि मल्लेश ने अगर वो वीडियो देख लिया तो वो उसे मार डालेगा। उसने मल्लेश को कॉल किया और नारायण के कत्ल के बदले में मेयर बनाने का लालच दिया। मल्लेश यादव हुस्सेल तो था ही, साथ साथ में बेवकूफ भी था। बिना आगे पीछे देखे उसने नारायण को मार दिया। आईटी ऑफिसर शास्त्री मल्लेश का पीछा करते हुए नारायण मर्डर केस में अनजाने में फंस गए। उन्होंने नारायण की हत्या का वीडियो शूट किया और मल्लेश ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसे डर था कि अगर यह वीडियो लीक हो गया तो वो भी फंस जाएगा और इस तरह आईटी ऑफिसर शास्त्री उस गुंडे और एमएलए के दुश्मन बन गए। उन्होंने पुलिस को रिश्वत खिलाकर मीडिया में गलत खबर फैला दी। 2400 घंटे मीडिया पर यह खबर चलाई गई और उसमें दिखाया गया कि शास्त्री ने ही नारायण की हत्या की है, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ये किया है या नहीं किया। किसी ने इस मर्डर की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की, यहां तक कि मैंने भी नहीं। उनकी फैमिली को यह धमकियां मिली कि अगर किसी ने मुंह खोला तो जान से मार दिए जाओगे। मेरी छानबीन में यही बात सामने आई, शास्त्री मजबूरी में फरार हुए। हालांकि मेरे पास यह सब साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। सर, यह मर्डर केस बंद हो, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मल्लेश यादव और उसकी बीवी से पूछताछ करने के बाद ही हमें इस मर्डर केस के लिए पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। गुड देन, गो फॉर इट, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जैसे ही मल्लेश यादव के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। गुड, कीप मी पोस्टेड राजा। यस सर, थैंक यू। जय हिंद। सर, मलेश को उसकी पत्नी के बारे में बताना है। अगर उसे पता चल गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, वो एमएलए को मार देगा, सारी बात दब जाएगी। उस वीडियो के कारण ही ये सब हुआ है। शास्त्री जी को उनकी फैमिली से दूर होना पड़ा। बस एक प्लान है मेरे पास, एक फेक वीडियो बनाकर मैं इस केस को सुलझाना चाहता हूँ ताकि शास्त्री जी और उनकी फैमिली की खुशियां लौट सके। क्या बात है सर। करो एसीपी साहब, हमारे पास आए हैं। क्या लेंगे सर, चाय या कॉफी? तू पुलिस स्टेशन चल, तुझे ही लेने आया हूं। क्या सर, अच्छा मजाक था ना? जर्सी है सर, एकदम प्योर भैंस का दूध है, पीजिए ना, बहुत टेस्टी बनता है, मैं रोज पीता हूँ सर। रहने दे, तेरे घर का पानी भी पी लिया तो मैं भी तेरी तरह कातिल बन जाऊंगा। एक और जोक। जोक इसे जोक मत समझ मल्लेश, आईटी ऑफिसर को तूने और एमएलए ने मारा और फंसा दिया शास्त्री को। सर वो मर्डर
पिछले हफ्ते होता। सर मैं तो दिल्ली में था एमएलए साहब के साथ, चाहिए तो अभी बात करवा देता हूँ। हेलो। हाँ भैया, एसीपी साहब आए हैं। वो बोल रहे हैं कि आईटी ऑफिसर को हम दोनों ने मिलकर मारा है। फोन दो उसे। हाँ एमएलए साहब, बात कीजिए। हाँ भैया एसीपी। भैया ये केस तुम्हें हत्यारे को पकड़ने के लिए दिया गया है, ना कि बेगुनाहों को परेशान करने के लिए। तुम यहाँ ये कौन, बेगुनाह कौन है? मर्डर साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर सबूत है तुम्हारे पास तो आगे बात करो। सबूत के साथ ही आया हूँ। पेन ड्राइव है मेरे पास। पेन ड्राइव है? क्या है उसमें? तेरे काले कारनामे की फाइल और रोमांटिक सेल्फी वीडियो। 4 मिनट्स HD क्वालिटी, फुल क्लैरिटी। वो तुम्हारे पास है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी YouTube पर अपलोड कर देता हूँ, खुद ही अपने मोबाइल पर देख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, उस वीडियो के बारे में और उसमें जो औरत है उसके बारे में किसी से भी कोई बात मत करना। मैं तुमसे खुद पर्सनली मिलूंगा ना। अभी जरा फोन मेरे भाई को तो दो। हाँ भैया। बात सुन मलेश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पीटो या काट डालो, वो पेन ड्राइव मुझे वापस चाहिए। बातचीत से बात ना बने तो सीधा अटैक कर दो। भैया बहुत गुस्से में, वो मुझे दे दो। तुम्हें जितना भी माल चाहिए मिल जाएगा, वरना एक पूरी फौज तुझे मारने आ जाएगी। तेरी फौज तो हमारे पड़ोसियों से भी कमजोर निकली। देख मलेश, इस पेनड्राइव में एमएलए की करतूतों का वीडियो है। तूने ही मारा था ना आईटी ऑफिसर को, वो वीडियो भी शास्त्री के मोबाइल से आ ही जाएगा मेरे पास। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर तुम दोनों की बैंड बजेगी और बारात लेकर मैं खुद आऊंगा। फिजूल में अपने चमचों को पिटवाया, देख कैसे तड़प रहे। जब इनको इतनी पड़ी तो तुझे एक झापड़ तो बनता है। क्या करूं, हाथ में खुजली आ रही थी, कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। वो एसीपी बचना नहीं चाहिए। डार्लिंग फोन। पुजारी जी का फोन है, रोज आपके लिए पूजा करवाती हूँ ना, शायद प्रसाद देने के लिए फोन किया होगा। डार्लिंग, जाओ ना। हेलो पुजारी जी। हेलो, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। हमारा वो जो वीडियो था ना, वो एसीपी के हाथ लग गया है। हाँ? वो अभी तेरे पति के पास आया था, मैंने उससे कहा था कि पेन ड्राइव छीन ले। अगर उसने वो वीडियो देख लिया होता तो अभी की अभी हंगामा मच जाता। पर तेरी बात से साफ पता चल रहा है कि तेरे पति ने वो वीडियो नहीं देखा। अभी तो मसाज ले रहे, लगता है उसी ने पिटा है। थैंक गॉड मैं बच गया। मैंने बोला था ना वीडियो फोटो कुछ लेने की जरूरत नहीं। बंदर जैसा मुंह बना बना के सेल्फी ले रहे थे, अब सच में बंदर जैसा मुंह बन गया ना। सेल्फी नंबर 74, 75,
76? मेरी पहले हालत खराब है, तुम ऐसे बात कर रही हो? देखो अगर कुछ हुआ भी ना तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इतना प्यार करता है मुझे वो। जानते हो मेरा जीजा भी मुझसे बातें करता था इसलिए टपका दिया उसे। बाप रे। अब सोचो जरा तुम्हारे साथ क्या करेगा। अरे तू कैसी कैसी बातें कर रही है, मुझे पहले ही दो हार्ट अटैक आ चुके। मैं एक काम करता हूँ, वहाँ आता हूँ और उसका ध्यान डाइवर्ट करता हूँ। अरे तू हमारी बातें क्या सुन रहा है? ओके सर। चुपचाप गाड़ी चला। यस सर। देख रहे भाई मलेश, तूने पूरी कोशिश की लेकिन वो फाइटर निकला, पकड़ में नहीं आया तो लीव इट। अरे एक बात बताइए, आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आए ना? क्या वे तुझे लॉजिक की पड़ी है? देख नहीं रहा मेरा भाई कितने दर्द में है? तू यही था ना, तो तूने क्यों नहीं पकड़ा? बेवकूफ। मेरी बात सुन मलेश, अब जो भी हो गया ना उसे भूल जा। ए, कैसे भूलूंगा, कैसे भूल जाऊं मैं? सुनो, एसीपी ने अगर शास्त्री को ढूंढ लिया और वो वीडियो उसके हाथ लग गया तो मैं पक्का जेल चला जाऊंगा, फिर मैं कभी भी मेयर नहीं बन पाऊंगा, कभी भी नहीं बन पाऊंगा। मत रोइए, उदास मत हो, आप बनोगे ना मेयर। अरे बंद कर बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारी पहुंच बहुत ज्यादा है और उसकी पहुंच बहुत कम, उसका सिर्फ सिंगल नेटवर्क है और तुम्हारा नेटवर्क कोने कोने में फैला हुआ है, इसलिए तुम एसीपी से पहले उस शास्त्री को ढूंढ लो और उस वीडियो को भी ढूंढ निकालो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलके काम करेंगे तो वो वीडियो हासिल कर सकते हैं। एमएलए साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। सुना तुमने, तुम्हारी वाइफ भी यही चाहती है। हाँ। ओए, सब ध्यान से सुनो, वो शास्त्री मुझे यहाँ चाहिए, मेरे पैरों के नीचे, चाहे जो हो जाए उसे यहाँ लाओ। ठीक है भैया। शनि तुम्हारे पिता के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुक्र तुम्हारे पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है। ये मुझे पता है, ढोंगी पंडित। दादी आपको कैसे पता? वो शुक्र ग्रह तो हमारा राजा ही है, वो हमारा भला ही करेगा। शुक्र का साथी ग्रह है बुध, बुध अभी तीसरे स्थान में जाने वाला है जिससे हर तरफ से खुशियां ही खुशियां बरसेगी। चाची अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको। कोई है क्या? लगता है कोई भिखारी आ गया है, उसे कहना बाद में आना। बड़ी माँ मैं एमएलए पुचप्पा हूँ। हाँ एमएलए पुचप्पा, आप यहाँ कैसे? मैं एसीपी राजा का करीबी दोस्त हूँ, कल रात को उसने मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में बता रहा था। उसने कहा कि शैलू के फादर लापता हैं जिससे फैमिली मुसीबत में है, तो हमें तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहिए ना। बस सुबह बिना मुंह धोए मैं सीधा तुम्हारे यहाँ आ गया। मुंह भी नहीं धोया? छी छी। तुम हमारे परिवार के लिए क्या करोगे? हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। आप जाइए। ये आप क्या कर रही हो चाची? जानती हो कौन आया दरवाजे पर? बुद्ध। वो आया है आपकी मदद के लिए। अरे नंगे पाँव नहीं घूमते बेटा, चप्पल पहन लो। मुझे नहीं पहनी ये चप्पल, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे डांटती है, मैं तुमसे बड़ा हूँ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपने ये चप्पल क्यों पकड़ी है? बेटा मैं इस घर में बाप की हैसियत से आया हूँ, मैं जानबूझकर चप्पल पहना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बात सुनो बेटी, मेरा फर्ज निभाने दो, मैं तुम्हारी भी चप्पल बदल देता हूँ। अरे खड़ा क्या है, सबकी चप्पल बदलना? ये क्या तू एग्जीबिशन के लिए लाया? आजा बेटी मैं तुझे चप्पल पहना दूँ। अरे रे रे जबरदस्ती क्यों कर रहा है तू, बच्ची का पैर तोड़ेगा क्या? ये छोटी तो बड़ी लेके आना। ठीक है भैया। जल्दी कर, ये ट्राई करो अपना पैर नीचे को प्लीज। बहन सुनो ना साहब, ये पैर नीचे नहीं कर रही है। बेटी डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? हम चप्पल की सबसे अच्छी दुकान से उठा के लाए हैं, ये इसे पहन के तुम एकदम परी जैसी लगोगी। मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेडिकल सीट। बिल्कुल सही सुना है एमएलए साहब, मेडिकल सीट चाहिए इसे। अरे राजा when did you come? Hey Mr. MLA, when did you come? Right now. Even I came right now. Oh, so you also right yes, now? Yes, right now. Come, let's go in the corner for a personal talk. Sure. What a coincidence, man. Yeah. What a great man you are. Amazing. Raja, आजकल मेडिकल सीट का दाम बहुत चल रहा है। तुझे ये पेन ड्राइव सस्ता लगता है क्या? अरे दे 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 दे, मुझे कहीं नहीं है, देना। चींदी चोरी की आदत गई नहीं तेरी? अच्छा सुन, देख मुझे मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुश करेगा ना तो कुछ होगा। वो सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो फैमिली कितना दुख झेल रही है, ये तुझे तभी मिलेगा जब तू उन्हें खुश करेगा। ठीक कहा राजा, लेकिन चक्कर ये कि मेरी जेब खाली है। तो सोशल नेटवर्क में ये डाल देता हूँ। अरे बहुत पैसे आएंगे, जितने व्यूज होंगे उतने पैसे। वाह सही कहा। हाँ हम अब भी अपलोड कर देते, करोड़ों लोग देख लेंगे। मुझे क्या लगता है इसमें सनी का टीजर है, कैट कैप का फर्स्ट लुक है, या सिल्क की किसी रोमांटिक मूवी का ट्रेलर है? मेरा सड़ा हुआ चेहरा है इसमें, वायरल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। ओ सुन राजा, क्यों ना हम बैठ के बात करें?
ये कुर्सी किस लिए सर? मेडिकल सीट के लिए। पर वो तो खाली नहीं है। इसलिए तो ये लेके आया हूँ। दिखने में बढ़िया नहीं लेकिन एडजस्ट तो कर ही सकते हैं ना। इस चेयर को क्लास में लगाओ और उस पर बैठने वाले को वहाँ पढ़ाओ। सर, मैनेजमेंट कोटा के सीट के दाम तो आपको सब पता है। जरा रुको, तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी है और इसे सरस्वती का ज्ञान कराओ। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसका MBBS पूरा कराओ और गोल्ड मेडल भी इसे ही दिलवाओ। बॉस, कैसे दिलाओगे? खरीद लेंगे, जैसे सीट खरीद रहे हैं वैसे गोल्ड मेडल भी खरीद लेंगे। राजा, अरे ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे एक छोटा सा काम था, मैंने कर दिया। आपने वो किया जो मेरे पापा चाहते थे। थैंक्स अ लॉट। अरे सीट तो मैंने खरीदी और थैंक्स इसको बोल रही हो? सुनो, मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बनना। अब देखो, इससे तुम्हारे लिए सीट खरीदी है, तो जब इसे हार्ट अटैक, बीपी, कैंसर जैसी बीमारी हो तो अच्छे से इलाज करना। अब इससे इलाज कराने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा? अरे उसने कहा ना फ्री में इलाज करेगी। अगर आप कहे तो आपकी बॉडी का पोस्टमार्टम उसी से करवा लेंगे। क्लास का टाइम हो गया, जाओ। ऑल द बेस्ट। ये क्या शैलू, इतनी छोटी सी बात के लिए इमोशनल हो रही हो? तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी लेकिन हमारी जिंदगी के लिए ये नई शुरुआत है। थैंक्स अ लॉट राजा, बाय। ए, उसका मूड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम मस्त पार्टी करेंगे, उसे खूब पिलाएंगे और पेन ड्राइव छीन लेंगे। गो। सुनो राजा, एक मिनट। उसकी खुशी को देखकर मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। और नहीं तो क्या, आपने तो हम गुंडों से अच्छा काम करवा लिया, इसलिए बॉस खुश होकर अपने ढाबे पर पार्टी दे रहे हैं। अबे ये पार्टी वाली मुझे पसंद नहीं। ना 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 ना, मना मत करना राजा, हमारी ये छोटी सी गुजारिश मान लो ना। ठीक है। मेरा तुझको सलाम, प्यार से है सलाम, बार बार है सलाम, वाह वाह क्या कहना तेरा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों का सलाम, सबका तुले सलाम, वाह वाह क्या कहना तेरा। दीवाने हम तेरे, फैन है हम तेरे, पास है तेरे जो खुशी थोड़ी हमको दे। बात मेरी मान ले, इशारा जान ले, यारों के साथ तू आज खुल के नाच ले। रिवॉल्वर राजा, 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 रिवॉल्वर राजा। कम सिन ओ हसीना, इश्क तेरा कमीना, बिजली तू गिराने जा कहीं और जा। मन भी जा तू हमारी बात, तू हम भी यार तेरे, तोड़ना यारा दिल हमारा चाहे तू जान ले। तुझको तो है कसम चीज हमें दे। मेरा तुझको सलाम, प्यार से है सलाम, बार बार है सलाम, वाह वाह क्या कहना तेरा। दीवाने हम तेरे, फैन है हम तेरे, पास है तेरे जो खुशी थोड़ी हमको दे। रिवॉल्वर राजा, 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 रिवॉल्वर राजा। सर, मैंने अपनी चाल चल दी, अब बताइए क्या करना है। देखो राजा, जब सारे रास्ते बंद हो तब एक ही रास्ता बचता है और वो है मलेश को गिरफ्तार करके उसकी गवाही ले लेना। तुम्हें MLA की पहुंच पता है, वो एक कॉल करेगा और वो बाहर आ जाएगा। राजा, मैं चाहता हूँ तुम इस MLA को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करो, समझ गए ना तुम? ओके सर, आई विल डू माय बेस्ट। गो अहेड, थैंक यू।
नमस्ते एमएलए साहब। राजा ये नमस्ते और सर बोला तो तुम बिल्कुल नहीं भूलते हो। वैसे मैं नहीं भूलता। लगता है बहुत कुछ लाया है देने के लिए। पिछली बार चप्पल और फल लेकर आया था तो मेरा मन नहीं भरा, तो इस बार मैं इस घर को पूरा हाईटेक कर दूंगा। छोटे बच्चों, जवान बच्चों, बच्चियाँ, भाभी जी सब आ जाओ। अरे देख क्या रहा बॉस, चल जल्दी कर पूरी फैमिली में सब कुछ बांट दे। ए, एप्पल लैपटॉप डॉक्टर बिटिया को देना। सुपर। मछली बिटिया को टैब और मेकअप का सामान दो। फैंटास्टिक। छोटी बिटिया को डिजाइनर फ्रॉक दो। ऑसम। माता जी के लिए आईफोन 7 प्लस लेटेस्ट मॉडल, वो भी पिंक कलर में, जो लेडीज को हमेशा पसंद आए। इसका मैं क्या करूंगी? माता जी आपने जवानी में व्हाट्सएप यूज नहीं किया ना, तो अब बुढ़ापे में चैटिंग करो और मस्त रहो। राजा इनकी खुशी मतलब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी मतलब मेरी खुशी। मेरी खुशी क्या है पता है? वो तुम्हें पता है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुश नहीं हो? कल कॉलेज में सीट दिलवाई, आज घर में इतने सारे गिफ्ट बांटे। मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए राजा? बोल दीजिए इनको क्या चाहिए। अरे आपने जो मुझे इच्छा बताई थी ना, बस वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। माता जी बताइए आपको क्या चाहिए, पलक झपकते आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये घर बहुत पुराना हो गया है। बहुत पुराना है। टाइल्स निकल रहे हैं। वो भी नहीं लगवा देंगे। पिलर भी कमजोर हो गए। पिलर बनवा देंगे माता जी। उसकी जरूरत नहीं तो? 30 करोड़ खर्च करके अगर नया घर बनाते हैं तो आगे की 10 पीढ़ी रह सकती है। बस इतना सा कर दो। अरे कर दीजिए ना, आप तो कर सकते हैं। मुंह बंद कर, मुझे ज्ञान मत दे। अरे ये गरीब बुढ़िया अगर दाल मांग लेती, चावल मांग लेती, कुछ और खाने को मांगती या साड़ी मांग लेती तो देते, पर 30 करोड़? अरे मेरा घर ही 3 करोड़ का है। इंसानियत बची है कि नहीं? तू अपलोड कर दे राजा, अपलोड कर दे, देखा जाएगा। दादी जी इन्हें अपना बेटा समझ लीजिए और आप इन्हें वो करने को कहिए जो अपने बेटे को करने को कहते। तो मैं अपनी छोटी पोती के लिए एक यौवन समारोह करना चाहती हूँ। माता जी ये हुई ना बात। ए गंजू जल्दी मार्केट जा, 5 सिल्क की साड़ी खरीद, 25 लोगों को कैटरिंग पे लगा, चमेली के फूल ला, आम के पत्ते लगा, ये सब आज ही कर देते। मैं इतनी आसानी से कैसे मान जाऊँ? फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए करते हैं। अरे हमारे सर की बेटी के फंक्शन का लेवल पता है क्या तुझे? हाँ बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तुम वो दे दो, मैं ये सब कर दूँ, बाकी वो सब मैं देख लूंगा, आप सिर्फ ये कर दो। पक्का प्रॉमिस? मेरी कसम। मुझे मत देखो माता जी, उसे देखो। पापा राजा ने छोटी बहन का मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। अगर आप यहाँ होते और ये सब देखते तो बहुत अच्छा होता। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ भैया? रिश्तेदार के यहाँ देखा, दोस्त के यहाँ देखा, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना मत उसे। ठीक है भैया। बार-बार के, बार-बार के साइन किया जा रहे हो। शिवाजी में रजनीकांत ने भी इतने साइन नहीं किए होंगे। और एक चेक, 1 लाख का चेक, ये किसके लिए है? सर मजिशियन के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है मैंड्रिक द मजिशियन। मुझे तो लगता है ये जादू नहीं चंदा लेने आया है। चंदा लेने का धंधा मैं नहीं करता, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैजिक मैजिक करता हूँ मैं। अबे असली जादू करे तो यहाँ से कुछ गायब करके बता। आबरा का डाबरा दिखाना ही पड़ेगा। आबरा का डाबरा झटका लगे तगड़ा, आबरा का डाबरा झटका लगे तगड़ा। ओपन इट। छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही, किसकी चट्टी है ये? तुम्हारी है। मेरी? ए, तुम लोग मुझे क्या घूर रहे हो, पहले मुझे तो चेक कर लेने दो। ओ तेरी, ये तो मेरी ही है। अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है, अगर तुम असली जादूगर हो ना तो इसी वक्त इसी घड़ी इसकी चड्डी गायब करके बताओ। ओके, आबरा का डाबरा जादू दिखा दे जबरा। ओपन इट। सर क्या हुआ?
इस चड्डी नहीं पहनी, इस फ्रॉड का मैजिक एकदम फेल हो गया है। ये देखो, ये क्या, सिर्फ इलास्टिक, नीचे वाला कपड़ा कहाँ गया? बता बता बता, कुछ पूछ रहे बोलना। हाँ भाई, आजकल ये दिखाना तो फैशन है ना, इसीलिए मैंने कपड़ा काट दिया और ये पहन लिया। पहनना मत। अब बताओ, अभी भी डाउट्स हैं क्या? यू आर सुपर्ब, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर सुपर्ब मैन। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह मैं एसीपी राजा के चंगुल में फंस गया। तो मेरे भाई जादूगर मैंड्रेक, अगर तुम अपने जादू से वो पेन ड्राइव मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें उस काम के लिए 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। ये मेरी जबान है। राजा के पास चाहे जो हो, मैं सब गायब कर सकता हूँ। मैं उसके दिमाग को अपने वश में कर लूंगा, लेकिन जादू से नहीं, उसे हिप्नोटाइज करके उसके मन की सारी बातें पढ़ लूंगा। राजा के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद पेन ड्राइव से डेटा लेकर कंप्यूटर से दिमाग कनेक्ट करके फाइनली उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। सुपर जादूगर मैंड्रेक, तो बताओ अब मैं क्या करूं? इस चेक में तुम्हें एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी लो। अगर ये चेक बाउंस हुआ तो इसमें 2 जीरो और लगा दूंगा। जुप, जुप। पर ये कैसे मुमकिन है? लॉजिक को भूल जाओ, मैजिक एंजॉय करो। अच्छा बात ये है, उस राजा को मैं बार में ले जाऊंगा और उसे हिप्नोटाइज करके पेन ड्राइव ले लूंगा। ये बात है बच्चू, तब जरा मेरा मैजिक भी देख ले बेटा। हम यहाँ पीने बैठे हैं ना, तो ग्लास कहाँ है मजिशियन? मैंड्रिक मजिशियन के होते हुए ग्लास की क्या चिंता। चीयर्स। ये है मेरा जादू। राजा, इस घंटी को देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ घंटी को। घंटी कैसी है? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसकी आवाज कैसी है? क्या आवाज है, मधुर है। सिर्फ घंटी की आवाज पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये बताओ कि तुम सच में हिप्नोटाइज हो गए हो? पूरी तरह मजिशियन जी। मैं इसे नहीं मानूंगा जब तक वो पेन ड्राइव मुझे नहीं मिलता। लेकिन वो उस एमएलए का है। तुम उस एमएलए को दे दोगे? हाँ दे दूंगा। अब तुम मेरे वश में हो रहे हो, मैं तुम्हें फ्रिज कर रहा हूँ। फ्रिज? फ्रिज नहीं बुद्धू, फ्रीज। फ्रीज हो गए हो ना तुम? हाँ हो गया मैं। हल्की नींद आ रही है ना? अभी हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। राजा, राजा। उसे डिस्टर्ब मत करना, वो इस वक्त बड़े पर्दे पर छोटा राजा फिल्म देख रहा है। वो खड़े खड़े देख रहा है क्या? मैंड्रिक जी, सांबार में नमक ज्यादा डाल दिया, आप अपने जादू से 1-2 किलो कम कर दीजिए ना। इस औरत का तो इसको कुछ ढीला लगता है, इसे हिप्नोटाइज करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं या नहीं बताइए ना। 30 सालों का एक्सपीरियंस है, दिन रात यही काम तो कर रहा हूँ मैडम। अब नजरे इनायत जरा इधर करो, इस घंटी को तुम देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। मतलब तुम वश में हो, तो क्या तुम मुझे चुंबन दोगी? हाँ दूंगी। तो देर मत करो, बाहों में समा जाओ, हसीना तुरंत आ जाओ। आ गई। तुम बीच में कहाँ से आ गए? देख रहे हो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, उधर जाओ। हाँ जा रही। ए, तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ यहाँ से, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा यहाँ से जाने के लिए, चलो आओ। आ गए। अरे तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? उसे आने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं, मूड डिस्टर्ब कर दिया। गो बैक, यहीं खड़े रहो। प्लीज प्लीज, अब तुम मेरे साथ आओ। फ्रीज किया ना? फ्रीज किया ना गधे। क्या गधे? अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे, मेरी बात समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इससे नहीं, चलो आओ। कितनी सुंदर हो तुम, नजर ना लगे। कुछ देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जागो जागो। सांभर में नमक कम हो गया? हाँ, वो मैंने कर दिया, जाओ जाओ जाओ। प्रियतमे, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगी ना? मेरे प्रिय प्राणनाथ, आए मिलन की बेला। बड़ी जल्दी रोमांटिक मूड में आ गई, लोहा गरम है, मार देता हूँ हथौड़ा। बाहों में आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? सर, मैं लोगों को छोटे मोटे ट्रिक दिखाकर अपना पेट पालता हूँ, मुझे अगर जेल में डाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। मैं जो कहूंगा वही करोगे तभी छोड़ूंगा। लिख के देंगे ना सर? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तैयार हूँ सर, आई विल डू।
मेले को हिप्नोटाइज करने की क्या जरूरत है? तुम उसे हिप्नोटाइज करके उसके पास से सुजाता वाला वीडियो लाओगे। पर वो तो पेन ड्राइव में है। ये वाला, ये खाली है, सिर्फ उसे पता है ओरिजिनल कहाँ है। पर कैसे? अब मेरे पास टाइम मशीन होती तो तुझे उसमें बिठा के ले जाता। अगर मैं कोई मजिशियन होता ना तो सारा सच उगलवा लेता उससे। ठीक है, सीटी बजाते ही तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। ठीक है जा। क्या अंदाज़ है। मेरी पेन ड्राइव लाई कि नहीं? पता है वो पेन ड्राइव उससे लेना आसान नहीं है। वो पेन ड्राइव उससे लो और वो वीडियो डिलीट करो। बॉस, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको इस पे यकीन है। मुझे तो इस पे फुल डाउट है, इसे हिप्नोसेट वगैरह कुछ नहीं आता है। ए, चुप रहो। हिप्नोटाइज बोलना आता नहीं और चले हो मेरा मजाक उड़ाने। हमें नहीं आता, तुम्हें आता, तुम करो। तुम लोग अपना गड्ढा खुद अपने हाथों खोद रहे हो। ठीक है, ओके। तुम लोगों की यहीं बैठे बैठे बैंकॉक की लड़कियों से मस्त मसाज करवाऊंगा, चलेगा? आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। अरे घंटी क्यों निकाला? तुम्हें लगता है इसे देख के हमारा दिमाग रुक जाएगा? ए गंजे, अगर बकवास करेगा ना तो बैंकॉक तो क्या धारावी के लिए भी तरसेगा। सर सर, आप करके बताओ ना। अब सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो और फिर धीरे धीरे सो जाओ। क्या तुम सब लोग सो गए? हाँ, हम सब सो रहे हैं। अब तुम्हारे सामने विशाल महासागर है। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ छोटी छोटी बिकनी पहनकर तुम लोगों के साथ लहरों में खेल रही है। अब सो जाओ। सबको सुला दिया तूने? क्या हुआ, एमएलए अभी तक बैंकॉक गया कि नहीं? इसने उल्टी करनी शुरू की कि नहीं? एमएलए साहब, आप बैंकॉक पहुँचे कि नहीं? मैं तो वहाँ सुजाता के साथ हूँ। सुजाता इतनी पसंद है तुझे? जान है वो मेरी। ओहो, वो वीडियो किसने बनाया था? और कौन बनाएगा, मैंने खुद ही बनाया था। ओहो, अभी तुम्हारे पास वो वाला वीडियो है क्या? इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा अंगूठा है। ओ, तो जरा अंगूठा लाओ अपना। लो। आ, आ, आ। अरे कहाँ जा रहे हैं सर, इसके जाते ही मुझे सोना पड़ेगा। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। भाग यहाँ से, गधा कहीं का। आबरा का डाबरा, अब क्या होगा मेरा? अरे मस्ती कर ली हो तो वापस आ जाओ। वापस आ रहे हैं। आ गए कि नहीं? आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉस, आपका मोबाइल कहाँ है? ओए, मेरा मोबाइल गायब है। अरे उन पागल लोगों ने इनका फोन चुरा लिया है। तो तुम बैंकॉक नहीं गए थे क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था। ओए नकली जादूगर, तुझे 10 मिनट दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं इसी घंटी को तेरे मुंह के अंदर डाल के मैं तेरी जान ले लूंगा। एक मिनट टाइम दे दो सर। ये लीजिए सर। ए, ये मेरा फोन नहीं है। रख लीजिए सर, अभी इसी से काम चला लीजिए। मैंने क्या वो रिपेयर के लिए दिया था जो काम चलाने के लिए रख लूं? मुझे मेरा ही फोन चाहिए। शैलू का फोन। हेलो पापा, मैं शैलजा बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? फंक्शन के कुछ फोटो भेजे हैं, पापा आपने देखे कि नहीं? हाँ भैया, क्या बात है? सुनो मलेश, एसीपी राजा शास्त्री का फोन यूज कर रहा है। वो उसकी लड़की को झूठ बोल रहा है कि वो जिंदा है जबकि वो मर चुका है। अगर आईटी ऑफिसर के मर्डर का वीडियो इस फोन में होता तो अब तक हम दोनों जेल में होते, लेकिन हम तो बाहर घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी बेफिक्र रहो। मलेश तुम हंस क्यों रहे हो? सुजाता भाभी नजदीक है। किस्मत बदल रही है मेरी जब से ये मेरी जिंदगी में आई है। सही कहा भाई, वही हमारी किस्मत है। पापा फोटोज देखी आपने? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एमएलए पुचप्पा बोल रहा हूँ। मोबाइल तुम्हारे पापा के पास नहीं है, एसीपी राजा के पास है। जिससे तुम बात करती थी ना, वो असल में तुम्हारे पापा नहीं थे, वो एसीपी राजा था। राजा ने बजाया सबका बाजा। तो इसका मतलब तुम्हारे पापा टपक चुके हैं। लो ये रख लो तुम्हारा मोबाइल, इसे देख के अपने बाप की यादें ताजा कर लेना। अरे क्या कर रहा है, सब सामान बांधा। अब तो खुशी का माहौल मातम में बदल चुका है। चलते हैं बेटी, टाटा,
See you. ये देखो कहाँ है वो, इतने दिनों से हमें बताया क्यों नहीं? बताओ पापा कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं? बताओ क्या किया तुमने मेरे पापा को? बताओ वो बेहोश क्यों पड़े हैं? सच बताओ मुझे प्लीज। कुछ नहीं हुआ है शैलू, उस दिन मैंने तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल बुलाया था, अरेस्ट करने के लिए नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन अचानक वहां पुलिस आ गई, उनके भागने के बाद मैं उन्हें ढूंढने गया तो वो मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिले। पता नहीं किसने मारा उन्हें, लेकिन उनके सर पर बहुत गहरी चोट थी, इसलिए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आराम से, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब क्या उन्हें होश? सॉरी राजा, डॉक्टर ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर मैं तुम्हें उनके बारे में बताने आया। शैलू, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो हमारी पूरी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी और इसका कारण तुम होगे, याद रखना। जब तुमने इस तरह से बात की तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा कोमा में चले गए, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उन्हें होश में लाने की। फाइनली अमेरिका के एक डॉक्टर ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। गुड न्यूज, वो 10 दिन में होश में आ जाएंगे। ओह थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। ओके थैंक्स डॉक्टर, बाय। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अपने पिता को खो दोगी और मैं वो सारे सबूत जिनसे मैं उन्हें बेगुनाह साबित कर सकूंगा। मैं तुम्हें ये पहले भी बता सकता था, लेकिन तुम अपने डैड को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए उनके फोन से मैं तुम्हें मैसेज भेजता रहा। मैंने ये खेल सिर्फ तुम्हारे लिए खेला। तुम बहुत लकी हो शैलू, उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा और उनके पास जो सबूत है उससे एमएलए और मलेश यादव सलाखों के पीछे होंगे। शैलू, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर तुम नहीं भी कहती तब भी मैं ऐसा ही करता। मैं तुम्हारे डैड को घर ले आऊंगा, बस सिर्फ 2 दिनों में उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। बेटा ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। पापा आपको बचाने वाला और हमारा ख्याल रखने वाला फरिश्ता यही है। राजा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल। अंकल मुझे वो वीडियो चाहिए जिसमें मलेश यादव आपके दोस्त को मार रहा है। इट्स रियली वेरी अर्जेंट। बताइए कहाँ है वो? मैं तुम्हें बताता हूँ।
भगवान सच में है, तुमने नकली पेन ड्राइव के पीछे मेरे लाखों खर्च करवा दिए। लेकिन ऊपर वाले की दया से वो वीडियो मलेश भाई के हाथ में आ गया और हम आजाद हो गए। क्या सोच रहे हो? लाओ वो मेरा मोबाइल, दो दो। वैसे भी वो मोबाइल तुम खोल नहीं सकते क्योंकि उसका पासवर्ड है मेरा अंगूठा। चुरा के भी क्या फायदा हुआ तुम्हें? लाओ दे दो, अब दो भी। शायद तेरे दोस्त मलेश यादव का फोन आ रहा, उठा ले। तुमने कैसे गैस किया? अरे तू पहले बात तो कर ले उससे। अरे दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। बोल भाई मलेश। ओए, 10 मिनट के अंदर आके मुझसे मिल, अकेले आया तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा मैं। क्या हो गया तुझे? अरे तू ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? मैं एमएलए पुचप्पा हूँ। ओए पुचप्पा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी पत्नी के साथ? डार्लिंग, ये है सेल्फी नंबर 74। क्यों तोते उड़ गए? दोबारा या नहीं? कहाँ है तू? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं वहीं आ रहा हूँ। जल्दी आ कमीने। करो सबके सामने यही काट दूं तुझे? क्या भाई, जो हुआ उसे भूल जाना। चुप कर, जुबान खींच लूंगा अगर मुझे भाई बोला तो। सबसे पहले तूने मेरी पत्नी को फंसाया और उसके बाद आईटी ऑफिसर और पत्रकार का कत्ल करवाया मुझसे। पर वो सब तूने फ्री में थोड़ी किया था, मैंने तुझे मेयर बनाने का सपना दिखाया तभी तो किया। मुझे कोई मेयर वेयर नहीं बनना है। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मैं एक एमएलए को भी टपका सकता हूँ, समझे? आज तो तेरा सिर काट कर मैं अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। आज उसका बर्थडे है क्या? ओ डैम इट मैन, मैं तो उसे बर्थडे विश कर रहा भूल ही गया। कल रात को ही बात कर रहा था लेकिन याद नहीं आया। अगर उसने बताया होता तो केक भी भिजवा देता। तेरे सामने मेरी पत्नी को केक भेजने की बात कर रहा है? नहीं, 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 रुक जाना। भूल कैसे गया कि तूने आज तक जितने भी मर्डर किए उन सबसे तुझे मैंने ही बचाया है और आज तू मुझे टपकाने चल दिया। पेड़ काट देगा तो छांव कहां बचेगी? तू क्या मुझे बचाएगा? तुझे पता भी है कितने मर्डर किए मैंने? 40 लोगों को टपकाया जो तू नहीं जानता। पुलिस वाले, वकील और एक जज भी था उसमें। अगर यकीन ना आए तो मेरी भैंसों से भी पूछ ले। अब जब तूने सब कुछ अपने मुंह से ही बता दिया है तो फिर मैं तेरी भैंस से क्यों पूछूं? अरे सुना क्या, मेरी जरा सी उंगली से इसने सब कुछ उगल दिया। हर एंगल से, हर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। जरा इधर देख, ऊपर देख, कार के नीचे देख। ओके, इसे अरेस्ट कर लो, कम ऑन। हे, ये पुलिस वालों से मिल गया है, काट डालो इसे। अरे भागो। ऊपर वाले बचा ले। रिवॉल्वर राजा इज बैक।
Come on, boys. Let's have some fun. Revolver Raja. Hi, ML Sahab. Out dance kare. Hey, ji, oh, ji, lo, ji, suno, ji. Main hu anmoji. Karta hu main jo wo tum bhi karo, ji. 1, 2, 4. 4, 2, 1. Ta, 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 ta. ए, बहुत हो गई तेरी चालाकी। जो भी सबूत तेरे पास है मुझे दे और यहाँ से निकल। हलवा है क्या? जिंदा जाने दूंगा तुझे, वरना यहीं इसके साथ काट दूंगा तुझे मैं। अबे सीधा काटने की बात कर रहा है, थोड़ी डायलॉग बाजी कर ले यार। अबे क्लाइमैक्स सीन है, समझा कर, जरा अपना टैलेंट दिखा। एक बड़ा विलन छोटू को मारने आया, हीरो से बचाने आया है कि नहीं? हाँ क्यों रे, ये सीन मर्डर के कन्फेशन के लिए था और तूने तो पूरा इतिहास ही सुना दिया। अरे इतने मजेदार सीन को थकेला बना दिया। आ जा, थोड़ी सी कसरत करते हैं। आ जा। ए, मैं कोई तेरा ठुल्ला नहीं, जो मुझे बुलाएगा तो आ जाऊंगा। गुंडा हूँ। ये सुन ले, अगर तू बड़ा गुंडा है ना, तो ये पुलिस वाला तेरा बाप है। तुझ जैसे को देखकर मेरा दिल पत्थर का हो जाता है। ओए ओए, I love you राजा। आजा फाइट शुरू करते हैं। ना मुन्ना ना। ये चाइनीज गोभी। नजर बिल्कुल गेंद की तरफ होनी चाहिए और ये आ गया कैच। पकड़ ले, आज पकड़ लिया। देखा अरे क्या कर रहा है बे, मार ही डालेगा। आजा, ये ले, तू भी ले। मैं बच गया। क्या बात है रे। अरे सुजाता, तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो रिप्लाई क्यों नहीं करती है? तेरे पति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चल मालदीव की 2 टिकट बुक करा लेते हैं। जल्दी सामान पैक कर, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? चूने की दुकान, केक काटने। मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों? मैं क्यों नहीं? ये कैसा ट्विस्ट है? तू अभी पुलिस स्टेशन चलेगा, वही केक कटेगा तेरा। अभी क्लाइमेक्स बाकी। बहुत अच्छा किया। आए हाय हाय, रात है संतरे बिछा रहा। अरे बाबू जी, ये क्या जूस सेंटर खोल रहे हो? ब्रो, संतरे संतरे पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जिससे जिसकी शादी होनी होती है उसकी किस्मत में लिखा ही होता है। शुरुआत से ही तुमने मुझे बहुत सारे हिंट दिए थे, ये बोल के कि मेरी शादी तुम्हारी शादी है, मेरी होने वाली बीवी तुम्हारी है। सॉरी बाबू जी, मैंने आज तक सभी पर दया दिखाई लेकिन तुम पर कभी नहीं दिखाई। अब जरूर दिखाऊंगा, इसी वक्त दिखाऊंगा। राजा, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले भी देखी है,
तुम आज भी अच्छा परफॉर्म करोगे, मुझे पक्का यकीन है। बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। मेरी भाभी का ध्यान रखना। हमारी पिक्चर खत्म हो गई, आप लोग क्या कर रहे हो?